हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, मजे में होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो फाइनली ये हमारा सातवां लेक्चर होने वाला है जिसमें हम अपना चैप्टर का आर्ट स्क्रिप्ट रिलीजन ब्यूरियल मेथड डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर ये कवर करने वाले हैं। लास्ट में लाइव खराब हो गई थी, पिछले लेक्चर में देखा था लाइव लिया था तो वो खराब हो गया था, इस वजह से हम ये चैप्टर फिनिश नहीं कर पाए थे। बट अब हम फिनिश करके जल्दी आगे बढ़ेंगे, वैदिक कल्चर शुरू होगा इसके बाद, तो आज हम इसको खत्म कर देंगे। अभी इसको स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा। उन्होंने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा था, उन्होंने पूछा था कि पशुपतिनाथ की इमेज में जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था अपने स्टोरी से, तो उसमें यह कहा गया था, मैंने जो आपको लायन बताए थे उनके चारों तरफ, वो बताए थे बफेलो हॉर्स एलिफेंट लायन, ये चार मैंने जानवर बताए थे। लेकिन एनसीईआरटी ये क्लेम कर रही है कि वहां पर हॉर्स नहीं थे, हॉर्स का प्रयोग वहां पर नहीं हुआ जाता था, तो वो हॉर्स कैसे आए? ठीक है, ये चीज बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा अगर आपने पूछ के, क्योंकि ये हर चीज पे आप बारीकी ध्यान दे रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर सुनो। आंसर ये है, देखो ऐसा है ना, आपको ना कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं मिलेगी कोई से भी सोर्स में। मैं इसका आपको प्रूफ दूंगा, कैसे दूंगा अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी में आप पढ़ रहे हो कि वहां पर हॉर्स नहीं थे, ठीक है, मैंने पढ़ाया कि वहां पर एक जो जानवर था वो हॉर्स था। एनसीईआरटी ये क्लेम करती है कि वो हॉर्स नहीं, राइनो है। ठीक है, एनसीईआरटी ये कहती है कि वो राइनो है, हॉर्स नहीं है। ठीक, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अब हॉर्स नहीं है तो जाहिर सी बात है हॉर्स वहाँ पे, एनसीईआरटी बोल रही है कि हॉर्स वहाँ पे नहीं पाए जाते। ठीक है, इस बात को मेंशन करना। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा है, हिस्ट्री का कोई भी पार्ट उठा के देख लो, कहीं से किसी भी सोर्स से ना आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये वाकई में हुआ है। टाइम पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जब मैंने पढ़ा तो मुझे जब पढ़ाया गया अच्छे से, तो उसमें मुझे 2500 BC से 1500 BC पढ़ाया गया। ठीक है, मेरे नोट्स में भी यही मेंशन किया है। ठीक हो गया, 2500 BC, क्योंकि अप्रोक्स टाइम यही है सबका, अप्रोक्स टाइम यही है। बट लेकिन एनसीईआरटी के क्लेम कर रही है कि 2350 से 2300 BC, 1750 BC, है ना, तो टाइम पीरियड एक तो पहला डिफरेंस टाइम पीरियड में आ गया, तो कहीं भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब करते हैं हॉर्स की बात। हॉर्स की बात ऐसी है, सुरकोटदा, सुरकोटदा जो साइट है गुजरात में, वहां पे घोड़े की हड्डियां मिली हैं और वहां पर जो एक हॉर्स सील अलग से मिली है और सील अलग से मिली, तो एक सिंपल सी बात ये सोचो, जब वहां पे सुरकोटना में, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप सर्च भी करना चाहते हो तो सर्च भी करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार बताओ, सुरकोटना में आपको सील भी मिली है, ठीक है, वहां पे घोड़ों की हड्डियां भी मिली है, तो क्या वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी उस टाइम पे? करती होगी ना। लेकिन एनसीईआरटी इस चीज को फैक्ट्स के ऊपर बात करती है, वो आपका बेस क्लियर कर रही है, इस वजह से उसने शायद हॉर्स मेंशन नहीं किया, लेकिन हॉर्स की वहां पे सील मिली है बकायदा। ठीक है, वहां पे सील भी मिली है और हड्डियां भी मिली है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, बाकी मैं बता रहा हूँ वो अलग बात है। ठीक है, तो ये चीज है, तो कहीं से भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री में ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है, हमको कुछ चीजें मिली हैं, बस वही चीज बता दिया गया है। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया रखो, यूपीएससी कभी इस फैक्ट पर नहीं पूछेगा कि वहां पर घोड़े थे या नहीं, ना ये नहीं पूछा यूपीएससी, इस लेवल पर तैयारी मत करना आपने कि हाँ यूपीएससी ये चीज पूछेगा, नहीं, गलत। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उप करता हूँ आपको आंसर आपका मिल गया होगा। बाकी बहुत अच्छा है कि आपने, देखो आप जो और वीडियोस देख रहे हैं, देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आप पुटअप करोगे ना, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे कि अभी इन्होंने पुटअप किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उन्होंने चीजें समझी अच्छे से। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन पे एक्टिव रहो, पूछो चीजें, पूछो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, जवाब देंगे उसको। ठीक है, तो चलो फिर अभी हम शुरुआत करते हैं आर्ट्स की, कि क्या क्या वहाँ पे आर्ट्स वगैरह रहते थे। अभी तो वैसे ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ पहले सिविलाइजेशन के लेक्चर में, अगर वो लेक्चर नहीं लिया तो वो लेक्चर लो, अभी समझ में आएंगे, अभी तो हम खाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, द हरप्पन स्कल्पचर रिवील्ड अ हाई डिग्री ऑफ वुमेन वर्कशिप। ठीक है, फिगर्स ऑफ मेन एंड वुमेन, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर मेड ऑफ टेराकोटा एंड कार्विंग ऑन द सील शोज द डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी अटेन्ड बाय द स्कल्पचर। इससे इसमें वाली पीरियड में क्या है ना, इस वाली पीरियड में लोगों ने जो लेडीज हैं, औरत जो है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज्जत दी है, मतलब बहुत ज्यादा लोग और उनको इज्जत देते हैं, कोई वहां पे बदतमीजी नहीं किसी प्रकार की, क्योंकि वहां पे आप बता रहा हूँ ना, मैं एक सभ्यता आ गई है, सिविलाइज सोसाइटी हो चुकी है ना। अब जब सिविलाइज सोसाइटी हो गई तो वह सब चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं, धरती को भी पूछते हैं, आकाश को भी पूछते हैं, पानी को भी पूछते हैं, और तो और जो लेडीज हैं उनको भी बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। अब ये बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई थी ना लेडीज के लिए, जब हम थोड़ा पढ़ेंगे ना मेडिवल की तरफ, तब पता चलेगा है ना कि सती प्रथा और ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी, और वो आज भी, मतलब अभी तक तो मैनेज नहीं हुई है, बट अब देखो धीरे धीरे मैनेज चल रहे हैं। अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर दो शादी की जाती हैं, एक शादी तो चलो नॉर्मल है, दूसरी शादी किस लिए की जाती है, क्यों? पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए, लोगों से पानी भरने के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, फालतू नहीं बोलता हूँ कुछ भी, वाकई में ऐसी जगह बहुत है अपने
स्टेट एमपी में भी काफी ज्यादा जगह हैं जहां पर दो शादी की जाती है एक शादी से पानी लाने की, तो कितनी गलत बात है ना। तो वो चीज है, तो काफी सारी चीजें अभी सभ्यता में नहीं है, तो वो अभी टाइम लगेगा धीरे धीरे आने में, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो रही है, बहुत चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज थी वहां पर ना जो टेराकोटा फिगर्स थी उसमें क्या है कि लेडीज की मूर्ति बहुत ज्यादा पाई गई, तो वही चीज लिखी है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा स्कल्पचर में लेडीज पाई गई। और एक जो फेमस है वो ये वाले देखो, टेराकोटा फिग्रीन, ये वाली जो फोटो है ना ये बहुत पाई गई है। देखो ये लिखा है इसके बारे में, द फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो मेड ऑफ ब्रॉन्ज। एक डांसिंग गर्ल की फिगर पाई गई है मोहनजोदारो में जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है, इज रिमार्केबल फॉर इट्स वेमेन वर्कशिप। तो जो वहां पे उनकी वो रहती थी इन्वॉल्वमेंट वेमेन के लिए, जो इसको दर्शाती है। ठीक है, इट्स राइट हैंड रेस्ट ऑन द हिप व्हाइल द लेफ्ट आर्म कवर्ड विद बैंगल्स हैंग्स लूजली इन अ रिलैक्स पोस्चर। ठीक है, इनका जो राइट हैंड होता था वो इनके हिप पे होता था ऐसे करके पीछे को, और इनके जो लेफ्ट हैंड है उसमें बैंगल्स वगैरह चूड़ियां भरी रहती थी, उनका हाथ ऐसे रहता था। ठीक है, वो हैंगिंग पोजिशन में फ्री रहता था जो उस टाइम पे वो थे, मतलब जो फिगर बताती है। ठीक है, टू स्टोन स्टैच्यू फ्रॉम हरप्पा, वन रिप्रेजेंट द बैक व्यू ऑफ मैन एंड द अदर ऑफ ए डांसर, आर ऑल्सो स्पेसिफन स्पेसिमेंस ऑफ देयर स्कल्पचर। दो स्टैच्यू थे वहां पे जो कि एक तो बताते थे आदमी के पीछे का पोर्शन और एक डांसर की फॉर्म में एक स्कल्पचर वैसा बना रखा था उन्होंने, तो ये चीज थी। ठीक है, द पॉट्स एंड जार्स वर पेंटेड विद वेरियस डिजाइन एंड कलर। जो पॉट्स एंड जार्स होते थे मतलब जो गमले वगैरह लोग बार बनाते थे और चीजें जो दिया वगैरह जो भी बनाते थे, वो पेंट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था यहाँ पर, तो पेंटिंग भी उनके अंदर जनरेट हो गई थी। ठीक है, पेंटेड पॉटरी इज ऑफ बेटर क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के पेंटेड पॉटरीज बनाते थे। द पिक्टोरियल मॉटेट कंसिस्टेड ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो उनके पैटर्न रहते थे वो हॉरिजॉन्टल लाइन के रहते थे, कुछ लाइनों से ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट बनाते थे है ना, इस तरह से लाइनें वगैरह करके ऐसे करके, तो वो चीजें इसमें देखने को मिली। सर्कल बनाते थे उसमें, सर्कल में आप कुछ अलग से डिजाइन, जैसे आजकल हम रंगोली वगैरह बनाते हैं या फिर मेहंदी वगैरह लगाते हैं, तो उसमें सर्कल बना के वो करते थे ना ऐसे चारों तरफ, एक जो सबसे आसान मेहंदी कौन सी है कि एक सर्कल बनाओ उसको भरो, उसको भरने के बाद ऐसे 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 उसमें फूल लगा दो, तो वो चीज थी। ठीक है, इसके बाद आपके पत्तियां वगैरह लोग बार उसमें बनाने लग गए थे, प्लांट एंड ट्रीज वगैरह लोग बार बनाने लग गए थे। ठीक है, कुछ पॉटरी पर ऑन सम पॉटरीज पीसीस ऑफ फाइन फिगर्स ऑफ फिश और पिकॉक, मछलियां और मोर की चित्र भी वो उस पर बनाने लग गए थे, तो ये चीजें भी वहां पर बहुत ज्यादा देखी गई। ठीक है, तो आर्ट्स का हिसाब इनका ऐसा था कि आर्ट्स में ये लोग ये चीजें करते थे। ठीक है, तो आर्ट्स आपका ये यहाँ पर कवर हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की, क्योंकि उनके लिखने का पैटर्न स्क्रिप्टिंग वगैरह कैसी रहती थी, तो स्क्रिप्ट समझ में आ रहा होगा। वैसे ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट का नाम ध्यान है ना, बॉस्ट्रोफेडन में लिखा करते थे वो चीज है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है यार, वो तो स्टोरी बेस बता रखा है ना। ओके, द हरप्पन स्क्रिप्ट हैज स्टिल टू बी फुली डेसिफर्ड, मतलब कि अभी पूरी तरह से उसको नहीं पहचाना गया है। ठीक है, अभी बहुत कुछ उसमें बाकी है करने को। द नंबर ऑफ साइंस इज बिटवीन 400 एंड 600, 400 से 600 के बीच में नंबर ऑफ साइंस थे। उनके जो लिखने का तरीका था ना उसमें अल्फाबेट्स तो होते नहीं थे, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये चीज चीजें नहीं होती थी, वो साइंस बनाते थे। जैसे कि अधिकांश वो जानवरों का पक्षियों का प्रयोग करते थे, जानवरों का नहीं पक्षियों का ज्यादा प्रयोग करते थे लिखने में, कि लिखना होता था तो पक्षी बनाते थे, वो समझ जाते थे कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह के 400 से 600 तक वहां पे साइंस थे, मतलब साइन जो होते हैं जैसे कि ये वाले लिखे हुए ना, वो ये डिफरेंट डिफरेंट साइंस है ये वाले, ऑफ विच 40 और 60 आर बेसिक्स, वो कुछ 40 से 50 बेसिक्स थे और जो बाकी थे वो सब उनके वेरियंट्स थे धीरे धीरे करके। ठीक है, वो सब उनके वेरियंट्स वगैरह थे। द स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि वो यहाँ से राइट से शुरू करते थे, लेफ्ट पे जाते थे, पहले राइट से शुरू करा, ऐसे ऐसे दिखाता हूँ मैं देखो आपको, यहाँ से शुरू करते, जैसे ये पेज है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से शुरू करते थे, ऐसे 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 आते थे, तो ये उनके लिखने का पैटर्न होता था, लाइनों का पैटर्न। ठीक है, राइटिंग इन द, देखो लिखा राइटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन इन ऑल्टरनेटिव लाइन्स, मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन यहाँ से शुरू होती है ऑल्टरनेटिव लाइन्स में। ठीक है, ओके, पारपोला एंड स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन कलीग्स केम टू द कंक्लूजन दैट द लैंग्वेज ऑफ द हरप्पन वॉज द्रविडियन। ये कुछ बेसिकली कलीग्स कह लो उस टाइम पे, कुछ मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो बंदे कह लो, पारपोला एंड स्कैंडिनेवियन, जिन्होंने ये डिसीजन बनाया कि हरप्पन की जो लैंग्वेज है उसको द्रविडियन नाम दिया गया। ठीक है, उन्होंने द्रविडियन नाम दिया उसको। ठीक हो गया, अ ग्रुप ऑफ सोवियत स्कॉलर एक्सेप्ट दिस व्यू, यहाँ पे सभी लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो द्रविडियन ही है। अदर स्कॉलर प्रोवाइडेड डिफरेंट व्यू कनेक्टिंग द हरप्पन स्क्रिप्ट विद द ब्राह्मिन, द मिस्ट्री ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी इस चीज की मिस्ट्री है, अभी भी कुछ भी क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं है, एंड देर इज नो डाउट दैट द डेसिपमेंट ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट थ्रो मच लाइट ऑन द कल्चर।
कहने का मतलब ये कि अभी भी सारी चीजें क्लियर नहीं है, अभी भी बहुत चीजें क्लियर करनी बाकी हैं। तो सब चीजें अभी जितनी भी चीजें आप क्लियर हो चुकी हैं वो सब आपके सामने आ गई हैं। दैट से तो स्क्रिप्ट के बारे में बताएगा, और स्क्रिप्ट का नाम क्या होता था, मैंने क्या बताया था आपको, बॉस्ट्रोफ्रेडन आपने लिख रखा होगा है ना, तो अगर वो लेक्चर में मेंशन है ठीक हो गया। तो स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, आर्ट्स क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको कल के लेक्चर में लाइव में तो सोशल लाइफ तक तो क्लियर कर दिया था, आज आर्ट्स और स्क्रिप्ट भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं रिलीजन की, ठीक है, वो क्या तरह का रिलीजन फॉलो करते थे। देखो फ्रॉम द सील्स टेराकोटा फिगरीन्स एंड कॉपर टैबलेट्स वी गेट एन आइडिया ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ द हड़प्पा। जो वहां पर सील मिली है, टेराकोटा फिगर्स मिली है, टॉय वगैरह वहां पे मिले हैं, जो भी टैबलेट्स वगैरह मिली है, उन सबसे हमको एक आइडिया मिलता है कि ये लोग किस धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। द चीफ मेल डाइटी वॉज पशुपति, जो मैंने बताया था है ना, पशुपति जो ये जो मानते थे, जो जिनकी मूर्ति पली गई, पालथी मार के मूर्ति बनी हुई थी ना, इनके सींग निकले थे, चारों तरफ जानवर थे उनके, तो वो थोड़े उनको अपने शिव भगवान से कनेक्ट किया गया है, तो उनको ये मानते थे, ठीक है, क्योंकि उसकी हमको एक सील भी मिली है, जैसे लिखा है कि उनके रिप्रेजेंटेड इन सील्स एज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर, हमको एक सील मिली है जिसमें वो योगा वाले आसन में बैठे हुए हैं विथ थ्री फेसेस, तीन उनके फेसेस हैं ठीक है फ्रंट, और दो ऐसे करके यहाँ पे भी, ठीक है, विथ थ्री फेसेस एंड टू हॉर्न, दो उनके सींग बने हुए हैं, ठीक है। ही सराउंडेड बाय फोर एनिमल्स, देखो यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी क्या क्लेम करती है, देखो एलिफेंट, टाइगर, लायन की जगह इन्होंने टाइगर कर दिया यहाँ पे, राइनो एंड बफेलो, बफेलो और एलिफेंट तो सेम है लेकिन यहाँ पे टाइगर और राइनो कर दिया। मैंने क्या बताया था, बफेलो हॉर्स एलिफेंट लायन भेल नाम से बताया था ना, तो वो है, ये आपका बेसिकली एनसीईआरटी क्लेम करती है ये चीज, ठीक है, वो घोड़ा तो क्लेम करती नहीं है, मैंने बताया आपको क्या रीजन है, तो ये चीज़ें एनसीईआरटी क्लेम करती है। ईच फेसिंग जब आप एडवांस पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया टू डियर अपीयर ऑन स्पीड, दो इनान उनके पैर की तरफ पाए गए, ठीक है, ओके। इन लेटर टाइम्स लिंगा वर्शिप वॉज प्रेविलेंट, ट्रीज एंड एनिमल्स ऑल्सो वर्शिप, ये ना जो भी चीज इनको कुछ देती थी ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेड़ इनको छाया देते हैं, पेड़ इनको फल देते हैं खाने के लिए है ना, तो जो कुछ भी चीज इनको कुछ देती थी उसको पूजना शुरू करते थे, बेसिकली ये कल्चर था इनका। तो इन्होंने यहाँ पे ट्रीज एंड एनिमल्स वर ऑल्सो वर्शिप बाय द हड़प्पन, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, जैसे कि गाय है ना, ये सब चीजें, गाय बकरी और शीप है ना, तो ये सब चीजें इनको बहुत कुछ देती थी, तो ये इन्होंने इन लोगों को भी पूजना शुरू कर दिया था, तो ये लोग इनको भी पूजने लगते थे, ठीक है। दे बिलीव इन घोस्ट एंड एविल फोर्सेज एंड यूज एम्यूलेट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम, ये भूतों में विश्वास करते थे, तांत्रिक विद्या में विश्वास करते थे, और उससे बचने के लिए एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स क्या होते हैं, जो ताबीज होते हैं ना, धागे वगैरह, इसको एम्यूलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये लोग उसका भी प्रयोग करते थे है ना, मतलब भूतों में विश्वास करते थे और ये लोग ताबीज वगैरह पहनते थे जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन हो सके, तो ये उनका बेसिकली माइंडसेट था कि वो लोग इस तरह की बातें, इस तरह से भूतों भूतों में विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये उनका रिलीजन हो गया, समझ में आ गया होगा कि क्या उनका रिलीजन हुआ था उस टाइम पे, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ब्यूरियल मेथड्स की, ब्यूरियल मेथड्स क्या होते हैं, दफनाने की विधि, कि वो दफना, कोई भी इंसान जब खत्म हो जाता था उसको दफनाने की क्या विधि रहती थी, ठीक है, दफनाने की विधि पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक हो गया। द सिमेट्री इज डिस्कवर्ड अराउंड द सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीबंगन, लोथल, रूपर, थ्रो लाइट ऑन द ब्यूरियल प्रैक्टिस ऑफ द हरप्पन्स। इस लाइन का मतलब यह है, सेरेमेट्रीज का मतलब होता है कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान होते हैं ना उसको इंग्लिश में सेरेमेट्रीज बोलते हैं, सिमेट्रीज बोलते हैं। द सेरेमेट्री डिस्कवर्ड, इस वाली लाइन का मतलब यह है कि जो मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीबंगन जितनी भी साइट है इनके आसपास जो कब्रिस्तान मिले हैं हमको, वो दर्शाते हैं इनके, मतलब वहां से हमको पता चलता है कि इनकी दफनाने की विधि क्या होती थी, क्या होती थी, अब देखते हैं आगे। Complete burial and post-cremation burial were popular at Mohenjo-daro. At Lothal, the burial pit was lined with burnt bricks, indicating the use of coffins. ठीक है? Actual में ऐसा होता था, एक चीज और इसके आगे भी थोड़ा सा पढ़ो, wooden coffins were also found at Harappa. ठीक है? The practice of pot burials is found at Lothal sometime with pairs of skeletons. ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका पूरा सार बता देता हूँ, इस वाले पैराग्राफ का ओवरऑल बता देता हूँ आपको, ठीक है, सुनो। यहाँ पे क्या होता था कि जब कोई इंसान की डेथ होती थी तो वहां पर ये लोग उसको दफनाते थे, ठीक है, इनके जलाने की विधि नहीं होती थी, ये लोग जलाएंगे उसको, ठीक है, उसका दाह संस्कार कैसे करेंगे, वो लोग इसको दफना देते थे, क्योंकि काफी सारे ना हमको वो मिले, स्केलेटन्स मिले, काफी सारे कंकाल मिले हैं हमको, कोई ऐसा वो नहीं मिला जहां से ये साबित हो सके कि ये लोग उसको जलाते थे, नहीं, ये लोग जलाते नहीं थे, ये लोग उसको दफनाना शुरू कर देते, वो उसको दफनाते थे। दफनाने का भी यहाँ पे एक पैटर्न था उनका, डायरेक्ट नहीं कि इंसान पकड़ा दफना दिया, नहीं, जब वहां पे खुदाई हुई तो हमको पता चला कि वहां पर ना बड़े बड़े से बड़े बड़े पॉट बनाए गए, पॉट मतलब होते हैं ना मटके टाइप के,
बड़े बड़े से मटके, बड़े बड़े से मटके बनाए गए, वो मटके के अंदर रखे वो मटका सही दफनाया जाता था। तो ये उनका पैटर्न होता था, ये लोग ना डायरेक्ट नहीं दफनाते थे, बड़े बड़े मटकों में रख के इंसान को फिर दफनाया करते थे, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे मिली है क्या, कि यहाँ पर ना कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे पेयर मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जैसे हमको एक मटका मिला है तो उसके साथ एक और मटका रखा गया जिसमें एक दूसरा स्केलेटन, दूसरा कंकाल मिला है, तो अब खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो दूसरा भाई, दो पेयर मिल रहे हैं तो दूसरे पेयर का मिलने का क्या मतलब है ना, क्या मतलब एक जगह खुदाई हुई दो पेयर मिल गए यार, यहाँ भी दो पेयर है, दूसरी जगह खुदाई हुई दो पेयर मिल गए यार फिर से, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि यार ये लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, है ना। हम ये भी तो जान सकते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि हम पुराने अपने एंशियंट टाइम्स में देखते हुए आए हैं कि सती प्रथा बहुत होती थी, कि अगर किसी का मतलब हस्बैंड अगर हो गया, एक्सपायर हो गया, तो वो या तो आत्मदाह करेगी या फिर उसको भी उसी के साथ ही जला देते थे, है ना। ये सब चीज़ें हमने बहुत देखी हैं, जो कि बहुत ही वाहियात चीज़ है, जो नहीं होनी चाहिए, फिलहाल तो अब नहीं होती है, लेकिन हमने देखा है अपना खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे देखा ना सारी चीज़ें हमने, जो आपने देखी होगी, पिक्चर भी देखी होगी रणवीर सिंह की, क्या नाम था उसके पिक्चर का, अलाउद्दीन खिलजी बना हुआ है वो, मैं भूल गया यार नाम पिक्चर का, तो वो चीज़ है, वो चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है। वो सती प्रथा बहुत होती थी उस टाइम पे, तो ये चीज़ें क्या अब हम ये सोच सकते हैं कि यार दो हमको मटके मिल रहे हैं तो क्या पता ये हस्बैंड वाइफ हूँ। लेकिन लेकिन सुनो मेरी बात, यहाँ पर कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि ये सती प्रथा यहाँ पे होती थी, क्योंकि ये देखो एनसीईआरटी में मेंशन है, देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा वहाँ पे होती थी या नहीं इसका कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो ये चीज़ हम कंसिडर नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि हम तो आंख देखे पे विश्वास करेंगे ना, सुने सुनाई बातों पे विश्वास करना बहुत घातक होता है, समझ रहे हो ना इस बात को, हाँ। तो हम तो आंख देखे पे विश्वास करेंगे, तो कोई भी ऐसा एविडेंस हमको नहीं मिला जिससे ये क्लियर हो कि हाँ यार यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती, सती प्रैक्टिस होती होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये उनके दफनाने की विधि होती थी, समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर, कि ये हरप्पा सभ्यता अब ये खराब कैसे हुई, डिक्लाइन इसका कैसे हुआ, हरप्पन कल्चर क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे ये लोग मतलब कैसे, जो अभी तक इतने सालों से, इतने वर्षों से सिविलाइज्ड सोसाइटी चल रही थी, वो अनसिविलाइज्ड कैसे हुई और क्यों हुई, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं, देर इज नो अनएनियमियस व्यू पर्टेनिंग टू द कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर, कोई भी इसके पास एक एग्जैक्ट थ्योरी हमारे पास नहीं है कि हम ये कन्फर्म कर दें कि हाँ ये ऐसे बर्बाद हुई होगी, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। वेरियस थ्योरीज हैव बीन प्रोस्टुलेटेड, काफ़ी सारी थ्योरीज सामने निकल के आई, कि कोई लोग कहते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आई होगी, ठीक है, कोई लोग कहते हैं कि वहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आए होंगे, मतलब कोई ऐसी नेचुरल कैलमिटीज आ गई होगी जिस वजह से ये डिक्लाइन होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे रीज़न है, अर्थक्वेक आए होंगे, बाढ़ आए होंगे, उसके बाद एक और रीज़न निकल के आता है, वो रीज़न ये है, देखो अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स द फाइनल ब्लो वॉज डिलीवर्ड बाय द इन्वेजन, आर्यंस वगैरह आ गए थे, अब उनके पास टूल्स वगैरह अच्छे खासे थे, तो उन्होंने बदतमीजी दिखाई वहाँ पे और सारा एरिया कब्जा लिया, तो ये भी कुछ थ्योरी बताती हैं, कुछ स्कॉलर्स ने ये भी कहा है कि ये भी एक प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, जो वहाँ पर किले बनाए गए थे उनका डिस्ट्रक्शन ऋग्वेद में मेंशन है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स अर्लर टुगेदर एट मोहनजोदड़ो इंडिकेट्स दैट द सिटी वाज इन्वेडेड बाय फॉरेनर्स, जो ह्यूमन स्केलेटन्स हैं वो मतलब उनके हडल बने हुए हैं चारों तरफ, तो उनसे मोहनजोदड़ो में, तो उनसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई बदतमीजी हुई है, आर्यंस ने कुछ बदतमीजी करी और ये सारा एरिया कब्जा लिया है, तो ये चीजें इस तरह से सुनने में आई हैं। तो ये कोई मेजर एग्जैक्ट थ्योरी यहाँ पर नहीं है कि क्या रीजन हो सकता है इसके समाप्त, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तीन लेक्चर बने हैं इसमें, वैसे तो जो अगर आप फर्स्ट लेक्चर ही देखोगे तो उसमें ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने सारी स्टोरी बता रखी है, यहाँ तो हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, वो भी पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, मजबूत होगा आपका, तो आप सारी चीजें समझ जाओगे, और बाकी मैंने एडवांस लेवल के आपको बता ही दिया है सारी चीजें, ठीक हो गया। तो लेसन टू हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रीहिस्टोरिक पीरियड पढ़ लिया, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, सोशो इकोनॉमिक क्या उनकी कंडीशन रहती थी, कल्चरल लाइफ क्या रहती थी, और कैसे ये डिक्लाइन हुआ, ये सारी चीजें पॉइंट हमने सारे कवर कर लिए हैं, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे, ठीक हो गया। तो ये था गाइस लेसन टू, ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद अपने को देखना है वैदिक कल्चर, इसके बाद हमारा वैदिक कल्चर शुरू होने वाला है, तो मजा आएगा पढ़ने में। वैदिक कल्चर के बाद हम उम्मीद करते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म पे आ जाएंगे,
जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही वास्ट है, उसमें बताने को कैसे वहां पे एनलाइटमेंट वगैरह कैसे, मतलब सब कुछ मजा आ जाएगा, फुल मजा आने वाला है, ठीक है। हिस्ट्री में जब हम जियेंगे ना हिस्ट्री को, तो मजा आएगा। तो ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवीजन करते रहो, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, सैटरडे में हम सीसैट का प्लान कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी उसके भी बारे में चर्चा करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन आप कब तक, सैटरडे संडे रिवीजन करो, मंडे टू फ्राइडे क्लास, है ना। सैटरडे संडे में एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे का जो भी पढ़ा है सब कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग पीक पे होना चाहिए, ऑन योर टिप्स, समझ रहे हो। हाँ, तो वही चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में, सारी चीजें ध्यान में रखोगे तभी मजा आएगा। तो चलो फिर इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, लेक्चर फिनिश हो चुका है, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मजा आ रहा होगा एनसीईआरटी में, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो, थैंक यू।